तो सफाई एक ऐसी चीज़ है जो कि मुझे करने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। मेरा कमरा बहुत ही इस गंदा हुआ हुआ है, और इस व्लॉग में बेसिकली वी गोना बी ऑर्गेनाइजिंग सम स्टफ। जो मेरा कमरा है, जो मेरे इतना गंद मचा हुआ है, वो साफ़ करेंगे, चीज़ें ऑर्गेनाइज करेंगे, और स्टूडियो और कमरा दोनों को हम लोग आज से ही फिट सा सेट करेंगे कि दोनों जब हम देखेंगे तो सेटिस्फाई हो जाए, सी चास आ जाए दोनों को देख के, ठीक है ना। तो मेरे पास चीज़ें काफ़ी सारी आ चुकी हुई हैं, कैमरा एक्सेसरीज एंड स्टफ़, और वो तो हमने सेट करनी ही करनी है। उसके अलावा जो गंद मैंने मचाया हुआ ना कमरे में, मैं खाना भी नहीं चाह रहा हूँ, इतना गंदा हुआ है कमरा। तो ये सारा कुछ आज हमने साफ़ करना है। तो आ जाओ, तो ये है मेरा कमरा नॉर्मल, यहाँ से तो फिट लग रहा है, लेकिन जैसे ही आप नीचे आते हो तो ये जो कपड़े हैं ये अभी अभी धुल के आए हैं, इनको हमने अलमारी में रखना है, और फिर ये सारे कपड़े हैं ये सारे गंदे हैं, इनको हम लोगों ने लॉन्ड्री बास्केट में डालना है। और उसके अलावा ओवरऑल बहुत ज़्यादा गंदा है यार, ये देखो अजीब जूतों के डब्बे पड़े हुए हैं सारे। ये जूतों के डब्बे हम लोग सारे कोशिश करेंगे वहाँ पे ऊपर रख दें, जितने भी डब्बे शब्बे हैं, क्योंकि मैं ये आदत है मैं संभाल के रखता हूँ ये डब्बे शब्बे, तो ये हम लोग संभाल लेंगे। और ये भी सारा गंदा हो रहा है, बाहर जूते पड़े हुए हैं, ये देखो अजीब व गरीब गंदा है, फिर सिम्बा के बाल पड़े हुए हैं, और लाइक देखो लाइक लिटरली यहाँ पे कैलकुलेटर क्यों पड़ा हुआ है मुझे ये बताओ, कैलकुलेटर क्यों पड़ा हुआ है यहाँ पे। उसके अलावा फिर ये देख सकते हो आप लोग गंद, यहाँ पर मैंने एक डब्बा मंगवाया था सेट करने के लिए चीज़ें, लेकिन उसके पीछे भी गंद पड़ा हुआ है। ये लग दिया देखो, लाइक व्हाट द हेल, ये क्या है, ये देखो चिकन की बोन्स पड़ी हुई हैं, खाना भी यहाँ पे। तो ये जितना भी गंद है ना, ये सारा कुछ ये देखो। तो तुम लोगों को पता है कि जब मैं फूड रिव्यूज़ बनाता हूँ तो मैं यहाँ पर बैठता हूँ, तुम लोगों को दिखाता हूँ अभी वो वाली जगह कितनी गंदी लग रही है, और इसको अब हम लोग सेट करेंगे कि ताकि जब नेक्स्ट फूड रिव्यू आए ना वो तुम लोगों को इतना सेक्सी लगे कि तुम लोग कहो यार जैम भाई आप क्या करते हो यार। तो यहाँ पर मैं बेसिकली अपनी फूड वीडियोस बनाता होता हूँ, और इस वक्त गंद देखो कितना ज़्यादा है। बैकग्राउंड में कमेंट भी आया हुआ था कि भाई आपके आई ड्रॉप्स पड़े हुए हैं, वो देखो लिटरली ये देखो आई ड्रॉप्स। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने आज साफ़ करनी है, ठीक है ना, एक दिन एकदम सेक्सी लगना चाहिए कमरा, ताकि जो फूड रिव्यू वीडियो बननी है ना कल, क्योंकि आज फ्राइडे सैटरडे को मैं फूड रिव्यू वीडियो बनाता हूँ, तो जो कल वीडियो बननी है वो एकदम सेक्सी होनी चाहिए। और उसके लिए चलो फूड रिव्यू के लिए एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अभी जो है ना इतनी शायद सेक्सी ना लगे, क्लीन मैं करूँगा लेकिन हो सके इतना मज़े का ना लगे, बट इंशाल्लाह 1-2 महीने बाद वंस आई गेट अ बेटर लेंस, ये तो मैं किट लेंस से व्लॉग कर रहा हूँ, वंस आई गेट अ बेटर लेंस मैं तुम लोगों को लिख के दे सकता हूँ कि फूड वीडियोज़ इतनी फिट लगेंगी ना, लेकिन वो बस तुम लोगों को वेट करना पड़ेगा। अभी अभी तुम लोगों के सामने मैंने अपना बैग ओपन किया, उसके अंदर मैंने ज़्यादा चीज़ें चेक की, और एक और पार्सल आ गया है कैमरे का चार्जर। तो अब क्योंकि ये व्लॉग क्लीनिंग रिलेटेड एंड ऑर्गेनाइजिंग रिलेटेड है, तो उसको भी हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं आज। तो एक जो मेरी बहुत ही बुरी आदत है वो ये है कि जो कपड़े गंदे हो जाते हैं ना, जो कि लॉन्ड्री में डालने होते हैं, वो मैं लॉन्ड्री बास्केट में डालने के बजाय ना नीचे ज़मीन पे फेंक देता हूँ, और इस तरह मुझे पता चलता है कि ये गंदे कपड़े ये नहीं पहनने, और जो दूसरे कपड़े होते हैं वो अलमारी में होते हैं। तो अब जो मैंने कपड़े फेंके हुए हैं ना सारे, वो सारे हम लोग लॉन्ड्री बास्केट में डालेंगे, और बाकी भी जो गंद है वो सारा हम सेट करेंगे। अच्छा, तो कमरा जो है वो काफ़ी साफ़ हो गया हुआ है, मैं उस वक्त से लगा हुआ हूँ, अब रात हो चुकी हुई है, मैंने बिल्कुल हर चीज़ सेट कर दी हुई है। तो अब मैं तुम लोग को दिखाता हूँ कि जो आफ्टर है वो कैसा लग रहा है। तो पहले जहाँ पे मैं वीडियोस रिकॉर्ड करता था, मैं तुम लोगों को बिफोर दिखाया कि कितना गंदा था सब कुछ, और ये रहा जी आफ्टर। तो सब कुछ जो है वो मैंने साफ़ कर दिया है, यहाँ पर मैंने एक टेबल पे बैग और दोनों कैमरास का बैग, ये वाला लेकिन मैंने बेचना है, तो अगर कोई इंटरेस्टेड है निकॉन का तो प्लीज़ लेट मी नो। उसके अलावा ये देख सकते हो कल यहाँ पर जो फूड रिव्यू वीडियो है वो इंशाल्लाह शूट करूँगा मैं सैटरडे को। और हाँ मतलब देखो यार बड़ा चिकना लग रहा है, और प्लस जब ये मैं लैम्प ऑन कर दूंगा तो वो जो सेक्सी सी लाइट देगा तो वो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा उसके साथ। तो हाँ एनीवेज यार आज के लिए सिर्फ इतना ही है, हो सकता है अगर और फुटेज हुई तो मैं कल मिलूंगा तुम लोगों से, वरना व्लॉग यहाँ पर एंड हो रहा है, क्योंकि द थिंग इज़ अभी मैंने वीडियो एडिट करनी है तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है मेरे पास और कुछ करने का।
क्योंकि व्लॉग कंटेंट लिटरली रात हो चुकी है और कुछ है नहीं। कल जो है, कल फूड रिव्यू बनाएंगे, तो कल तो मेरा नहीं ख्याल कंटिन्यू कर सकेंगे व्लॉग, लेकिन चलो देख लेते हैं। मुझे नहीं पता क्या होगा, तुम लोगों पर डिपेंड करता है। कॉन्टेंट 101, बाय बाय।